हाय गाइस, हर महादेव। आज मतलब सुबह सुबह क्या हुआ, बारिश भी हो रही थी तो हमने सोचा ला पोहे बना लेते, बच्चों का टिफिन भी बन जाएगा तो हम भी खा लेंगे इसी बहाने से, हम भी खा लेंगे बच्चों के बहाने से। तो आज तो क्या मिलने वाला है नाश्ते में? तो हम बना रहे हैं अभी पोहा। अच्छा, क्या क्या है उसकी तैयारी मुझे दिखाई है ना पहले। ये देखिए, मैंने प्याज शेंगदाने से भूज के रख लिए, इसके ऊपर डालूंगी मैं। और ये क्या है? पोहा, वो ये चावल के, चावल है। हाँ जी, हाँ जी, ये उसमें डालना स्टार्ट कर दिया है। फिर क्या करेंगे इसमें? अभी इनको मैं डाल दूंगी, फिर इनको मिलाऊंगी मैं उनको। मेरे तो कोई भी बनने और जिसको खाने हो वो आ जाना जी। ऐसे मिलाते हैं, मिलाओगे तो मसाला पूरा और कोई में मिल जाएगा। ये सफेद से पीले हो जाएंगे क्या फिर? हाँ हाँ, इसमें हल्दी डाली है ना। अच्छा, हल्दी से पीले हो रहे हैं। हाँ जी। तो टेस्ट कैसा रहेगा इसका? खट्टा मीठा, गजब। देखते खाने के बाद कैसा होता है। अच्छा बनते है ना, क्योंकि मैं जानती नहीं थी, मम्मी के जान जान के सब जान गई हूँ। ये कहाँ पे, एमपी और महाराष्ट्र में होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, महाराष्ट्र में, अपने यूपी में गांव होता है ऐसा। सो गाइज, मैं बता दूं, ये जो पोहे की डिश है ये खास करके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ट्रेंड में रहती है। लेकिन ये भी डालना पड़ेगी, ये है शक्का। अच्छा, नहीं दिख गया हमको सुगर। इसमें शक्कर डालो क्योंकि खट्टे मीठे हो जाएंगे। अच्छा, मतलब ये खट्टा और नमकीन पहले देता, अब ये मीठा भी हो जाएगा थोड़ा सा। मेरे बेटा बेटी को बड़े पोहे पसंद है, रोज बना के दो, रोज बना के दो उनको। तो स्कूल के टिफिन में क्या? हाँ जी। यार वो लोग बहुत बदमाश है यार, रोटी वगैरह खाना ही नहीं चाहते। नहीं ना, बस इनको ये तो पोहे दो, मैगी बना के दो, उपमा दो, पास्ता दो, ये अच्छे लगते, रोटी तो वापिस आ जाती है। अच्छा, वो नहीं चाहिए उन्हें, बहुत समझदार है। मेरी आवाज आज धीरे धीरे निकल गई क्योंकि मेरे को सर्दी हो रही है। अच्छा, सर्दी की आवाज बोलते नहीं है क्या? नहीं, आप बोलते हैं। और पता आज क्या हुआ, सुबह सुबह मैं गिर गई, कचरा डालने गई थी और रोड पर गिर गई थी, मेरी कमर में लगी थी। बारिश की वजह से? बारिश की वजह से, मैं देख के चलना चाहिए ना भाई। मैं आपको बुलाया मैंने, आपने बस सुनाई है मेरे को। वाकई देखने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। अब देखते हैं कि ये बनने के बाद कैसा टेस्ट आता है इसका। थोड़ी देर डाल देते हैं, अच्छे ढक दिए। हाँ जी, तो मतलब अच्छे बॉईल हो जाएंगे इस तरह का, है ना। और पता है हम कल गए थे तो हमारे को सुबह का, कल का रात का नाश्ता नहीं रखा है। ये नाश्ता है, देखो ये नाश्ता ही रखा है, ये वही नाश्ता है। हाँ। ये पेड़े हैं, नमकीन है और ये पेड़े हैं, ये नमकीन इस पर डालने काम आएगी ऊपर से, है ना। अच्छा समझे।